अभिनेता गोविंदा को पैर में गोली लगी, लेकिन उनके साथ परछाई की तरह रहने वाले शशि सिन्हा जी हमारे साथ हैं। शशि जी, सर को गोली जब लगी, पूरी घटना अगर हमें विस्तार से बताएं कि क्या कुछ हुआ और कब आप लोग उनको अस्पताल लेकर आए? हाँ, मैं बता रहा हूँ क्या हुआ कि हम लोग कलकत्ता एक प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। एक्चुअली प्रोग्राम आज ही था वो, और हम लोग कल के दिन, मतलब कल की मॉर्निंग, बीते हुए कल के दिन मॉर्निंग 5 बजे मैं एयरपोर्ट पहुंचा। बोर्डिंग पास में गोविंदा जी ने बोला कि शशि भैया आप वहाँ पहुँच जाइए, जैसा कि आपको बताऊँ कि मुझे भैया बोलते हो, तो पहुँच जाइए, बोर्डिंग पास लेके रखिए, मैं आ रहा हूँ। तो मैं वहाँ ले बोर्डिंग पास ले लिया, वहाँ पर सब अरेंजमेंट था, हम लोग निकलने वाले थे। गोविंदा जी ने बोला बस मैं 5 मिनट में गाड़ी में बैठ रहा हूँ, पौने 5 बजे की बात है, बोले कि 5 बजे तक मैं पहुँच ही जाऊँगा। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि मैं बस गाड़ी में बैठने जा रहा हूँ। फिर अचानक दोबारा फ़ोन लगाया तो उनका फ़ोन नहीं लगा। फिर मैं वहाँ पर बॉय था जो उनके कपड़े वपड़े ठीक कर रहा था बैग के लिए, तो वो अचानक कुछ आवाज़ सी हुई, बोले शशि भैया मुझे तकलीफ़ हो गई। मैंने क्या हुआ? तो मैं कवर्ड में गोली अपना सॉरी पिस्टल रख रहा था, वो स्लिप करके नीचे गिरा और फायर हो गया, मिस फायर हो गया, मेरे पैर में लग गया। अब मैं तो थोड़ा सच बताऊं तो मैं बड़ा उस समय समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा, ब्लैंक जैसा हो गया। फिर बोला आप जल्दी छोड़िए और जल्दी से हॉस्पिटल भागिए, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ इन लोगों को लेकर। अब कौन से हॉस्पिटल कहाँ कुछ पता नहीं। फिर जल्दी से वहाँ से निकले, उसी में उन्होंने एक बाइट भी दी मुझे बना के कि जिस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं कि उसके पास भी बेचारे के लोग, हजारों लोग होते हैं जो वो सोचते हैं, उम्मीद करते हैं, हिम्मत देखिए कि उन्होंने ये बात बनाई। तो ये भगवान, जब जख्मी थे तब उन्होंने मोबाइल बाइट बना ली? जख्मी थे, गाड़ी में बैठ गए थे, उन्होंने मुझे बाइट भेजा कि ऐसा हुआ है। अब वो ऑलरेडी वहाँ जा चुका है, मैसेज सबके पास गया, उन्होंने सबसे बात भी की, उन्होंने अपना एक वॉइस रिलीज भी किया था, और वहाँ से बोले जल्दी आप भागिए। फिर मैं जल्दी से पहुँचा, ड्राइवर को पूछा, बोले कीर्ति केयर हॉस्पिटल में हूँ। फिर वहाँ 6 बजे के बाद मैं सीधे वहीं पहुँच गया था, और वहाँ से सारा दिन हुआ। फिर ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही हम और टीना, जो उनकी जो बच्ची है बड़ी वाली नर्मदा, वो बैठी हुई थी, हम लोग बैठे रहे, अच्छा से हुआ। उसके बाद डॉक्टर आए, बोले कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, वो एकदम अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एनिथीसिया उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि पैर में ही थोड़ा जो करते हैं सुनसान वो करके अच्छे से ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर ने मुझे इतना ही बताया, जो मेरे लिए बड़ा असहनीय और बड़ा इमोशनल मैटर था। डॉक्टर ने मुझे आके बाहर बताया कि, मैंने पूछा डॉक्टर साहब कि डॉक्टर साहब आप ठीक हैं, होश में हैं? हाँ, होश में, कोई चिंता मत करिए। उनने मेरे से पूछा कि क्या मैं डॉक्टर साहब अब डांस कर सकूँगा? तो वो पल हमारे लिए बड़ा दुखद था कि मुझे ये सुनना पड़ा। एक बच्ची रोने लगी टीना, और ये सिचुएशन था हमारा, तो आप समझ सकते हैं कि गोविंदा अपने डांस के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अपने अच्छाइयों के लिए, एज ए एक्टर एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, और एक्टर जब ये सवाल पूछे डॉक्टर से तो बड़ा अजीब सिचुएशन होता है कि क्या है। बट डॉक्टर ने बोला बिल्कुल फिक्र मत करिए, और बढ़िया कर पाएंगे, बाल बाल बच गया है, पैर सही सलामत है, हम उन्होंने बड़े अच्छे से सर्जरी की है, सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है, और थोड़े दिन, 2-4 हफ्ते, आप 6 हफ्ते उसको पैर ज़मीन पर नहीं उतारना है, तो रिकवरी बहुत अच्छी मिलेगी। और बड़े हैं, मुझे सब खुशी की बात यह है कि अभी ICU से जस्ट हम लोग अभी निकाल के नॉर्मल रूम में शिफ्ट किए हैं, आ गए हैं, और बड़े अच्छे हैं। बल्कि बोले थे नहीं, चलो उतारो जरा, नीचे पैर रख लिया जाता, बल में थोड़ा सा हुआ, सब लोग हम लोग उन पर वो भी थोड़ा सा नाराज़ भी हो गए, पैर मत नीचे रखिए, पैर नीचे रखिए। तो तब तक डॉक्टर आए, बोले कि नहीं आप सब बढ़िया है, आराम कीजिए, 2-4 हफ्ते में आराम से फिर आप चल पाएंगे। आप तो शशि जी, पैर उनका ठीक होने में और कितना वक्त लगेगा? मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर ने बोला है 6 हफ्ते, 6 हफ्ते, 6 हफ्ते मतलब 1.5 महीना होता है, लेकिन जिस हिसाब से उनका है, मुझे ऊपर वाले से उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी उनको रिकवरी मिलेगी, लेकिन 6 हफ्ते तो केयर रखना ही पड़ेगा। बड़ी बात है कि बुरी बला टल गई और बहुत सुरक्षित है हमारे गोविंदा। हम लोगों के लिए तो, मेरे लिए तो गोविंदा, मैं सेक्रेटरी जो हूँ, पीछे 32 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने भाई की तरह उन्होंने ट्रीट मुझे दिया है, मैं भी अपने भाई की तरह रहा हूँ। भले प्रोफेशनली बाहर हम लोग एक्टर और सेक्रेटरी हूँ, लेकिन ऐसा रहा है रिश्ता, ऐसा रिश्ता शायद आर्टिस्ट से सेक्रेटरी का बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। आपको देखा हूँ, और बड़ा बहुत लंबा एसोसिएशन है मेरा, तो शायद मैं भी लकी हूँ, और भगवान उनको बहुत अच्छा बड़ी बात है जी। मुझे शुभकामनाएं। मुझे एक चीज़ बताइए शशि जी, अब वो खाना पीना खा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, खाना पीना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उन्होंने हल्का दूध हल्दी भी लिया, मुझे कहा भी दूध हल्दी थोड़ा लूंगा मैं, वो लिया उन्होंने। मेरे पास एक जो जानकारी आ रही है कि बहुत जिद कर रहे हैं मुझे घर जाना है, क्या ये सच है? नहीं, वो है उनका थोड़ा सा नेचर है, थोड़ा होमली आदमी है, फैमिलियर आदमी है,
तो वो घर जाने की बोल रहे हैं, बट जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा तो इस मामले में इस चीज़ को हम इमोशनली नहीं ले सकते कि नहीं घर ले चलो, तो वो उनके साथ अच्छा नहीं होगा ना, इसके लिए उनको रखा हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि गोविंदा का डिस्चार्ज कब हो रहा है अस्पताल? आई थिंक अभी हम लोगों ने नॉर्मल रूम में तो शिफ्ट किया हुआ है, कल उम्मीद करते हैं एक दिन और, कल उम्मीद करते हैं कल दोपहर, एक दिन और लग जाएगा मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि कल तक होना चाहिए, कल तक होना चाहिए। शशि जी अगर मुझे बताएं, कोशिश चल रही है कि जितना जल्दी हो सके, बट एक दिन तो वहाँ आज भर तो रहना है वहाँ। क्या कहेंगे, उनका ब्लड बहुत बह गया था जब नहीं, थोड़ा ब्लड तो था नेचुरली, थोड़ा सा आपको कॉल किया सबसे पहले कि तकलीफ हो गई है? नहीं तकलीफ मतलब चोट लगी ना, हाँ बोले मेरे पैर में वो लग गया, गोली लग गई है पैर ना, वो पिस्टल नीचे स्लिप करके गिरा और मिसफायर हो गया। वो पिस्टल हमेशा कैरी करते थे अपने साथ? नहीं नहीं हमेशा कैरी नहीं करते हैं, वो घर में रखा रहता है, वो तो सिक्योरिटी की चीज़ है, अब संजोग से उसको कहीं जाते होते तो ताला मार के बंद करके जाते हैं लॉकर में कि अच्छे से रहे वो, बट वो रखते 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 कपड़ा में उलझ गया, क्या हुआ कुछ स्लिप जैसा किया, नीचे गिर गया। तो चूंकि वो भारी होता है तो हो सकता है कि जर्क से मिसफायर हो गया होगा। एक सवाल ये हो रहा है कि जब उनको जाना था कोलकाता के कार्यक्रम में, सुबह का वक्त है, पिस्टल निकालने की क्या जरूरत? नहीं नहीं पिस्टल निकालने की जरूरत नहीं थी। अच्छा। वो जो रखा रहता है सेफली नॉर्मल अलमारी में उनके कमरे में रखा रहता है अलमारी में? नहीं हॉल के अंदर रखा हुआ था अलमारी में, वो उसको निकाल के लॉकर ताला में बंद कर रहे थे उसको। अच्छा, उसको निकाल, हाँ क्यों शिफ्ट कर रहे थे सुबह सुबह? नहीं इसलिए कि उसको छोड़ नहीं सकते ना ऐसे। अच्छा, उसको बाहर ओपनली रखा था? ओपनली बाहर नहीं रखा था, एक कबर्ड में रखा था जो नॉर्मल था। हाँ। बट वो ताला मारने के लिए उसमें रख रहे थे कि रख के उसको ताला मार दूं। अच्छा। तो होना ही चाहिए ना उसमें। सवाल ये भी है कि लोडेड बंदूक क्यों थी, बंदूक लोडेड थी, उसका लॉक क्यों खुला था, बिना लॉक के तो गोली? नहीं नहीं लॉक बिल्कुल बंद था, और आप चाहें तो पता लगाए कि ऐसा होता है कि कभी कभी लॉक भी अगर नीचे झटके से गिरे तो प्रेशर से गोली मिसफायर हो सकती है। अभी थोड़ी देर पहले एक पुलिस वाले आदमी हमको बता रहे थे। अच्छा, अच्छा। जो काफ़ी दिन से हमारे साथ काम किए हैं, तो उन्होंने बता रहे थे कि नहीं सर ऐसा हो जाता है कभी झटके से हो प्रेशर पड़ा होगा तो वो हो गया, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि वो पैर की तरफ गया। अच्छा। कहीं और इधर उधर जाता तो जान को भी खतरा हो सकता था। उनकी रिवॉल्वर जो है वो लाइसेंसी है और उनकी खुद की है सिक्योरिटी? हाँ जी हाँ जी, पिछले 25 साल से और लाइसेंसी है, उसको हमेशा मैं रिन्यू कराते रहता हूँ खुद, और उसकी सर्विसिंग भी कराते रहता हूँ कि सब अच्छा रहे सब ठीक रहे, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। वो भगवान करे कभी जरूरत भी ना पड़े, संजो की पड़े, भगवान ने कभी उसकी कड़ी जरूरत पड़े, बट आप एज ए एक्टर सेलिब्रिटी हैं, उस नाते भी लोग रखते हैं, और आजकल तो गवर्नमेंट में भी हैं तो उस नाते भी बहुत सब चीज़ों सेफ्टी सोच के आदमी रखता है, सेफ्टी तो होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट ने दे रखा है, वो भी बाहर बैठी रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये एक संजो की बात है, एक्सीडेंट न कि कोई ऐसा। शशि जी विस्तार में बहुत क्लियर चीज़ें बता रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर सामने आकर। सबसे बेहतर बात है कि गोविंदा बिल्कुल ठीक है और कल या परसों उनका डिस्चार्ज जो है वो भी हो जाएगा। कैमरा पर्सन हासिब खान के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज़ मुंबई। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP? Or Bhupinder Singh Hooda from Congress? We'll turn the tables this time. Haryana में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.